ये है न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रॉम कोमाकी और जो नाम है इसका वो है वेनिसिको। ये जो इसका पेंट क्वालिटी है, अगर पेंट आगे से दिखाओ तो पेंट जो है इस बारी हाई क्वालिटी यूज किया हुआ है, फाइबर बॉडी, और जो पेंट के अंदर एक्सेंट है वो गोल्ड का एक्सेंट है, कोमाकी लिखा हुआ है सिल्वर कलर से। यहाँ पे आ जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स, और जैसे स्कूटर की एक पहचान होती थी ना कि उसके आगे ये नोज का ये बना होता था, नोज टाइप, ये चीज मिल जाती है इसके अंदर। ये जो गोल्डन कलर की ट्रिम्स आप देख रहे हो, इसके वजह से ये स्टैंड अलोन कर रहा है। देखो स्पीकर्स भी है इसके अंदर, और इतना बड़ा ये एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है। जो सीट है काफी गुदगुदी सी सीट है, मजा सा आ रहा है इसमें। और पीछे आप एक और बंदा बिठा सकते हैं, तीन बंदे तो नहीं बैठेंगे, एक और बंदा पीछे बैठ सकता है ऐसे। एक और प्लस पॉइंट है इस स्कूटर में जो इसका ये बैक रेस्ट है। ये बैक रेस्ट की वजह से ना, अगर अगर आप मान लीजिए बिल्कुल एज पे भी बैठे हुए हैं तो भी आप पीछे नहीं गिरेंगे। जो टेल लैम्प्स हैं इसके वो शार्प जा रहे हैं पीछे, जो फेंडर है इस तरीके से। ये जो बॉडी है यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांड का नेम कोमाकी, और यहाँ पर आपका स्कूटर का नेम आ जाता है। फिर ये इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा छुपाने के लिए और स्टाइलिंग क्रिएट करने के लिए ये कवरिंग यहाँ पे आ जाती है। व्हील्स जो हैं वो राल्को कंपनी के हैं, यानी कि अच्छे ही हैं, हमारी राल्को कंपनी अच्छी है, और ये इतनी स्पीड में चलते हैं कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। तो विद रजिस्ट्रेशन इसका जो कॉस्ट है वो 77,000 रुपये में कुछ नहीं मिलता आज की डेट में, ये मिल रहा है। लेकिन इसलिए मैं ये स्कूटर दिखा रहा हूँ। जो टेल लैम्प है, अगर इसके टेल लैम्प ऑन करके देखे जाए तो कुछ इस टाइप से बढ़िया करके, जो हम जबकि धूप के अंदर शूट कर रहे हैं तब भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और अगर टर्न इंडिकेटर्स चलाएं तो विद बजर फीचर मिलता है इसमें। नंबर प्लेट यहाँ पे आ गई, छोटा सा एक ग्रैब रेल इस तरफ आ जाती है। इनफैक्ट ये जो इसकी कीज़ है कुछ इस टाइप की मिलती है की, ये तो दो तो आपको ऐसी मिलेंगी, इसके अंदर एक कवर है और ये इसके हैं की फॉब्स। अब इसके अंदर थेफ्ट कंट्रोल वगैरह ऐसी ऑटो, मतलब वायरलेसली स्टार्ट स्टॉप बजर और ये अलार्म, ये सारी ऑलमोस्ट चीज़ें इन स्कूटर्स के अंदर होती हैं। और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर, जैसे कि अगर ये वाले पोर्शन को देखें तो ये जो लुक है ना, ये ऐसा लुक है जिसको एक कॉलेज स्टूडेंट भी यूज़ कर सकता है, एक लेडी भी यूज़ कर सकती है, एक ओल्ड एज पर्सन भी यूज़ कर सकता है, एक लड़का भी यूज़ कर सकता है। मल्टीपर्पज़ सा ये लुक है, ना तो ज़्यादा हाई फाई ना ज़्यादा आउटडेटेड, कॉम्बिनेशन है हर एक चीज़ का। और ये 77,000 का स्कूटर है तो हमें ये सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि उन्होंने कितना अच्छा सोचा 77,000 रुपये में। ये जो टायर्स हैं ये 10 इंचिस के टायर्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लोग कहते हैं कि भैया सामान रख के लेके आना है, यहाँ से दिखाओ तो फ्लोर बोर्ड में मैं अगर ऐसे करके पैर रखता हूँ तो मेरे ये दो पैर तो ईजिली आ सकते हैं, यहाँ पर छोटा मोटा और सामान भी आ सकता है, तो फंक्शनल चीज़ें तो हैं। फिर इस तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा हुक है, आप छोटा मोटा ग्रॉसरी, दूध लाना है, कुछ और लाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे टांग सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। एक और छोटी सी इसके अंदर ये दिखा रखी है, यहाँ पे आप छोटे मोटे अपने ड्रिंक्स वगैरह या फिर कुछ और रख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो, मतलब है तो सही, फंक्शनल चीज़ें हैं। ये जो पोर्शन है ये मुझे सबसे सेक्सी लगता है, और यहाँ पे है इसका ये चार्जिंग का पोर्ट, यहाँ से आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं, जो कि 3 से 3.5 घंटे या फिर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप इसको चार्ज कर रहे हैं, उस हिसाब से करता है, लेकिन फिर भी फास्ट चार्जिंग है इस स्कूटर के अंदर, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसको अगर ओपन करता हूँ मैं तो बूट स्पेस जो है इसके अंदर, ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे बैटरीज भर देती हैं, बूट स्पेस छोड़ती नहीं है, तो इतना बड़ा यहाँ पे एक बूट स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे एक मोबाइल चार्जर मिल जाएगा ऐसे करके। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्कूटर को छोड़ के जा रहे हैं तो ये जो MC है ना, इसको डाउन कर दो, ये स्कूटर बंद हो जाएगा बिल्कुल, बैटरी आपकी चार्ज की चार्ज रहेगी, जैसे इस MC को ऊपर करोगे ये ऑन हो जाएगा। और ये इसका चार्जर है इसके साथ मिलता है, जिससे कि आप 3 घंटे में इसको चार्ज कर सकते हैं 100%, ऐसा कंपनी बोलती है। लेकिन स्कूटर जो है एक ऐसे, मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा बल्कि भी नहीं है, ज़्यादा छोटा बहुत छोटा भी नहीं है। सबसे जो इसके अच्छे पॉइंट है ना वो ये है कि जो इसकी मोटर है ये 3000 वॉट की मोटर है, हाई प्रोफाइल मोटर, हाई ग्रेड जो पावर एफिशिएंट मोटर है वो इसके अंदर लगा रखी है, ड्रम ब्रेक के साथ है ये मोटर। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रंट से अगर ड्रम ब्रेक होती है, कुछ स्कूटर मिलती है इस सेगमेंट के, लेकिन इसके अंदर डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं कि आप कहीं पे गिरोगे नहीं, टक्कर नहीं होगी, एकदम से ब्रेक कर सकते हो। अब इस मॉडल पे ना ये जो राउंडेड साइड व्यू मिरर्स हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से मिरर्स हैं, और वाइब्रेट भी नहीं कर रहे, क्योंकि इसके अंदर कोई वाइब्रेशन तो होती नहीं। और इसका जो विजिबल जो पॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड से ये मिरर है पीछे। लेकिन अभी देखते हैं हेडलाइट आपको LED मिलती है, एक बार हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ मैं,
तो हेडलाइट जो है वो LED हेडलैम्प है, इसको अप डाउन कर सकते हो। अब हैंडल बार पे जो कंट्रोल्स है ना, उसमें सबसे पहले जो आ जाता है, देखो जी थ्रॉटल, थ्रॉटल है प्यारा सा खूबसूरत सा, ये है हेडलाइट के कंट्रोल, ये है मोड्स 1, 2, 3, इसके अंदर मोड्स हैं, इसको गियर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, ये रिवर्स है, ये पार्किंग है और पार्किंग प्लस सपोर्ट है, मतलब हेल्प है ये, हेल्प मैं बताऊंगा कि क्या है ये। फिर ये टर्न इंडिकेटर्स आ गए, ये हॉर्न आ गया और हॉर्न इसका कुछ इस टाइप का हॉर्न है, और ये जो है अप डाउन हेडलाइट। अब एक ऐसी इसके अंदर प्लस पॉइंट है जो कि बड़ी बड़ी कार में मिलता है, गाड़ियों में मिलता है, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये कैसा है कि इसको जब ऑन करते हैं तो यार ये जो स्क्रीन इतनी ज़्यादा ब्राइट है, हम धूप के अंदर शूट कर रहे हैं तब भी इतनी तेज़ दिख रही है, स्पीकर का साउंड आपको आ ही गया होगा, यहाँ पे लिखा आता है कोमाकी, और ये ऐसे करके स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये चला जाएगा आपका, अगर आप आपने इसको ऐप से किया हुआ है या फिर आप इसको हल्का सा चला लेंगे तो चला जाएगा। अब देखिए ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है कुछ इस टाइप का आता है यार, वाओ, स्कूटर के अंदर ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम देना जो कि कोई कंपनी सोच भी नहीं रही है, ना ही कोई कंपनी देने की कोशिश कर रही है, वो भी 77,000 रुपये में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने तो अभी तक ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देखा भाई किसी भी स्कूटर में, या फिर किसी भी जो इस लेवल की, इस कैटेगरी की बाइक है, जो कि 70-80 हज़ार रुपये वाली जो बाइक है या फिर स्कूटर है, उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं देखा गया आज तक। फिलहाल ये जो है ये दिखा रहा है आपको कि आपका जो टॉप स्पीड है, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ओडो दिखा रहा है यहाँ पे, किलोमीटर दिखाएगा यहाँ पे, बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है, और बैटरी की जो मतलब परसेंटेज है वो यहाँ पे आ रही है, कि वोल्टेज आ रही है, रेडी मोड पे है इस वक्त, काफ़ी सारी और चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है ब्लूटूथ से, और इसका एक ऐप कंट्रोल भी है। अब अगर मैं इसके अंदर ये मोड चेंज करूँगा ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं मोड चेंज करूँगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर मैं सेकंड थर्ड मोड पे करूँगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो रेंज कैलकुलेटर वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं इसकी ऐप में। अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, इसको आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं स्क्रीन ब्रॉडकास्ट करूं तो यहाँ पे ये स्क्रीन ब्रॉडकास्ट स्टार्ट ना हो, ये देखो मेरी स्क्रीन आ गई, हाँ साहब ये देखो फ़ोन की स्क्रीन आ गई है, मेरे मीटर में फ़ोन की ब्राइटनेस इतनी तेज़ नहीं है जितनी इसकी है, तो इसका मतलब कि जो इसकी स्क्रीन है ना वो फ़ोन से भी ज़्यादा अच्छी है भाई। देखो ऐसा दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा फ़ोन जो है मेरा इसके अंदर चलेगा। मान लो अगर मैं मैप्स खोलता हूँ तो मेरे जो मैप्स हैं वो सामने के सामने आ जाएंगे, यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं ऐसे करके मैप ऑन करता हूँ तो ये देखो मैप आ गया, मैं इसके अंदर कुछ भी प्ले कर सकता हूँ, कुछ भी चला सकता हूँ, क्योंकि स्क्रीन मिररिंग फीचर है इसके अंदर। अब ये जैसे मैप इसमें कनेक्ट हो गया ना बिल्कुल सही तरीके से, तो ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके आप अपने जेब में डाल रख लो या फिर फ़ोन कहीं पर रख लो, तो आपका जो ये है डिवाइस ये दिखा रहा है और सारे कंट्रोल यहाँ से होगा, लेकिन दिखाएगा वहाँ। यार ये फीचर इस कैटेगरी के स्कूटर में या इससे भी एडवांस कैटेगरी के स्कूटर में हमने तो कहीं नहीं देखा। अब अगर आपको गाने सुनने का शौक है, यूट्यूब पे वीडियो देखने का शौक है, वो भी देख सकते हो अगर ये स्कूटर खड़ा हुआ है तो, जैसे कि मैंने NCS का गाना चला रखा है, ये देखो तो इतना साउंड इसका आएगा, काफ़ी साउंड ज़्यादा मैं इस सॉन्ग सुना नहीं सकता, कुछ इस टाइप का साउंड है। और अगर आप इसको ऐसे करके टिल्ट कर लोगे तो इसके अंदर ओरिएंटेशन भी है, यहाँ से इसको प्ले भी कर सकते हो, पूरा का पूरा आपको स्क्रीन के अंदर मिररिंग हो जाएगी। ऑडियो सुनना चाहते हो तो ऑडियो भी सुन सकते हो। अब जो हमारे टेक्निकल भाई हैं उन लोगों के लिए एक ऐप कोमाकी ने और निकाल दी है, जिससे कि आप इसके ये सारी चीज़ें ना, ये सब कुछ देख सकते हैं कि बैटरी पावर कितना है, साइकिल कैपेसिटी कितनी है, अगर ये कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहा है तो बैलेंस करंट कितना है, रिमेनिंग कितना है, ये जो इसका साइकिल काउंट है कितना है, मॉस टेम्परेचर कितना है, तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, हर एक चीज़ का इसके अंदर हिसाब किताब दिया हुआ है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, ऑन बैलेंस कितना है, ये सारी चीज़ें ऑन ऊपर, इनफैक्ट कि इसके जो सेल्स हैं, सेल्स वोल्टेज, क्योंकि ये 12 सेल्स बैटरी है तो यहाँ पे आपको सेल्स दिख जाएंगे, आप ऐप से ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपका कोई सेल्स डैमेज या वीक होता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेल्स डैमेज या वीक है, जैसे कि अभी जो ये स्कूटर खड़ा हुआ है ये चल रहा है इस वाले सेल्स पे, नंबर 2 पे, तो इससे ये वोल्टेज ले रहा है क्योंकि ये रेड आ रहा है, तो इस हिसाब से। और ये सेल्स वायर रेजिस्टेंस भी इसके अंदर दिखा देगा सारी सारी, कि आपके पास जो 12 सेल्स हैं उनकी सेल्स वायर रेजिस्टेंस कितनी है। और सबसे अच्छी बात, ये ऐप बेस्ड लिपो 4 फायर रेजिस्टेंट बैटरी, स्मार्ट बैटरीज इसके अंदर यूज़ की गई है, जो कि फायर रेजिस्टेंट है। आज की डेट में जो हीट प्रोड्यूस होती है, आग वाग लगने की घटनाएँ होती हैं, तो वो चीज़ों से आप थोड़ा सा बच सकते हो। ये जो फीचर हैं सारे के सारे, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट इन सेगमेंट है अभी तक, और ये हैं भी। ये जो लीवर्स हैं ये भी कुछ अलग ही स्टाइल के लीवर्स हैं, अलग स्टाइल के लीवर्स, अच्छे लग रहे हैं देखने में, कंफर्टेबल भी हैं। जो रेयर में अगर देखोगे तो डुअल स्प्रिंग लोडेड शॉक एग्जॉर्बर्स हैं यहाँ पे,
मतलब जो है आपको गड्ढे वड्ढे इसके अंदर इजीली पता तो नहीं चलेंगे ऐसे। अभी हम इसकी टेस्ट राइड भी लेने वाले हैं, तो क्या कहते हो चले क्या इसका एक बार गियर रेशो टेस्ट करने के लिए? अब इसकी है टेस्ट राइड और ये इसके जो की फॉब्स हैं ये भी काफी क्यूट सा है। ये जो सीट का डिजाइन है ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बैठने का जो पोर्शन है ये भी अच्छा है। इतनी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, अब देखते हैं राइडर व्यू कैसा मिलता है। मैं इसके अंदर की लगाता हूँ। अच्छा, की लगाने वाली जगह ये भी अच्छी है। अभी हमें ना ये वाला बटन जो है इसके बारे में बताऊंगा क्या चीज़ है ये। चलिए, गॉड वाओ, स्कूटर में इतनी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। ओके, पार्किंग से हटाते हैं। अरे चलने लग गया तो मैं इस वक्त फर्स्ट गियर पे हूँ, ये फर्स्ट गियर है। ठीक है, चेक करते हैं कि वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर कभी भी टॉप स्पीड पे नहीं देखे जाते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टॉप स्पीड एक बार देखना चाहता हूँ कि कितनी मिल सकती है। तो फर्स्ट गियर पे इसकी टॉप स्पीड जो है ना, ओए सही जा रहा है भाई, ये तो फर्स्ट गियर भी 55 तक पहुँच सकता है। 55 तक पहुँच गया, गुड यार, वेरी गुड। चलो अब इसकी सेकंड मोड लगाते हैं। ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड मोड। और ये जो सेकंड मोड है ना, इस पे ये स्कूटर जो है आपको 85 से 90 का माइलेज दे देगा यार, वाह। सेकंड मोड पे कितनी स्पीड मिलेगी? ओ वेरी गुड, 60 की स्पीड पकड़ ली इसने एकदम से सेकंड मोड पे। वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट गियर पे थी इसकी स्पीड 55, जब मैंने सेकंड पे किया तो थी 60, अब मैं कर रहा हूँ थर्ड पे, अब देखते हैं कितने तक पहुँचेगी भाई। थर्ड गियर है, 3, 2, 1 स्टार्ट। यार पिकअप ऐसे देखो, पिकअप देखो कितना सही है उसका, ये कितना सही बना रखा है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्पीड भी ऐसे दिखा रहा है, क्या बात है यार, वेरी गुड। 65 की स्पीड पे जाके स्पीड हो गई है लॉक। 65 किलोमीटर की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, बहुत होती है वैसे 65 किलोमीटर की स्पीड। कोई बंदा ऐसे रोज़ या फिर आप अपने इंटरनल एरियाज के अंदर नहीं चला सकते हो, और वैसे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको अपना काम निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको स्पीड के अंदर भगाओगे। हाँ तो जी, टेस्ट राइड तो हो गई मेरी कम्प्लीट, मज़ा भी बहुत आ गया मुझे इसके अंदर। वो क्यों, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने कैप्चर किए ये स्कूटर चलाते वक्त। एक तो ये बहुत स्मूथ है स्कूटर, अच्छा लगा, प्यारा लगा, एकदम से उड़ जाता है। दूसरी चीज़, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो सही तरीके से यूज़ की हुई है इन लोगों ने, क्योंकि कुछ मैं स्कूटर देखता हूँ बैटरी वाले जिसके अंदर हैंडलिंग की प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर हैंडलिंग की प्रॉब्लम तो नहीं लगी। मोड़ वोड़ पर भी कोई हैंडलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्कूटर मैंने देखे जिसकी बैटरी की वजह से वो ऐसे होते हैं मुड़ते वक्त। तीसरी चीज़, जो तीनों मोड हैं, तीनों मोड में 5-5 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। स्पीड जो है एक्यूरेट इसकी 65 पे चली जाती है, एक्यूरेट स्पीड 65 पे पकड़ेगा ये। मेरा वेट जो है वो 89 केजीस है, तो 89 केजी वाले के बंदे के साथ में तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका वेट और कम है तो और ज़्यादा स्पीड या फिर और ज़्यादा माइलेज मिल सकती है। अब ये स्कूटर एक और अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, वो है ये ग्रीन कलर का बटन जो देख रहे हो ना, इस पर लिखा हुआ है पी, ये तो हो गया पार्किंग। यहाँ पे एक चाबी का स्विच ये भी बना हुआ ना पाने का, तो ये क्या है कि अगर इन केस बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई सा भी हो सकता है इंसिडेंट, थ्रॉटल खराब हो जाता है, मोटर खराब हो जाती है या फिर कंट्रोलर खराब हो जाता है, तो आप इस स्विच की हेल्प से इतना चला सकते हैं इसको कि आप इसके सर्विस सेंटर तक पहुंच सकते हैं अपने घर के आसपास या फिर आप जहाँ पे भी हो। तो ये जो स्विच है ये BMS को कंटिन्यू कर देता है, मतलब जो BMS होता है इसको उसको डायरेक्ट कर देता है, और आप मोटर से और बैटरी चला चला के ऐसे इसको बटन दबा दबा के आ सकते हो। अगर ये कहीं पे भी अगर कोई किसी भी चीज़ का अगर फेलियर होता है इन तीनों चीज़ों में से, तो आप कहीं पे फंसोगे नहीं। अब इसमें जो है रिवर्स भी मोड है, तो जैसे मैं रिवर्स का बटन दबा के रखता हूँ तो रिवर्स में है, और ऐसे करके मैं पीछे की तरफ भी ये स्कूटर चला सकता हूँ। जैसे ही रिवर्स का बटन छोड़ूंगा आगे की तरफ भी ये स्कूटर चला सकता हूँ। तो काफ़ी फाइन ट्यूनिंग तरीके से ये जो स्कूटर है ये बना रखा है, क्यूट सा लग रहा है, कूल सा लग रहा है। और अगर आपको ये स्कूटर के बारे में और ज़्यादा जानना है तो kingindianmedia.com पे जा सकते हो, वहाँ पे इसकी और डिटेल मिल जाएगी। बाकी इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पे भी इसकी और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। हमारा काम था आपको वीडियो बना के दिखाना कि 77,000 रुपये में के अंदर कैसे स्कूटर आपको मिल सकता है। बाकी कोड डिटेल के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इन लोगों की डिटेल छोड़ देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो ये स्कूटर कहाँ से मिलेगा, कितने का है, ऑन रोड कितने का पड़ेगा, और ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है कब तक अवेलेबल है, ये सारी चीज़ आप इन लोगों से पूछ सकते हो। हमारा काम था आपको वीडियो बना कर दिखाना, आपका काम है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।